आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। भाई बात करें 2020 की मूवीज की, तो 2020 की मूवीज की स्टार्टिंग ही हुई थी क्लैशेस के साथ। जी हाँ, जिसमें शामिल है 10 जनवरी को रिलीज हुई मूवी तानाजी और छपाक। जी हाँ, तानाजी मूवी में जिसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन ने लीड रोल, और वही छपाक मूवी में हमें नजर आई थी दीपिका पादुकोण। वेल, दोनों ही मूवीज ने अच्छा कमाया है। वहीं अगर तानाजी मूवी की बात करें तो तानाजी मूवी ने 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई थी, पर इसकी वजह से छपाक मूवी का थोड़ा सा लॉस खाना पड़ा है। वही बात करें आगे वाली मूवीज की, तो 24 को भी हमें देखने को मिला था मूवीज में क्लैश। जी हाँ, जिसमें शामिल थी मूवी पंगा, जिसकी वजह से किसी एक मूवी को लॉस उठाना ही पड़ता है। अगर रिसेंटली बात करें मूवीज के क्लैश की, तो शुभ मंगल ज्यादा सावधान और भूत पार्ट 1 भी हुई थी रिलीज सेम डेट को, जिसकी वजह से दोनों ही मूवीज को काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन की वजह से जूझना पड़ा। मतलब अगर बात करें 2021 में, तो 2021 में भी हमें देखने को मिलेंगी 3 मूवीज में क्लैश। जी हाँ, ये तीनों मूवीज हैं बड़े बड़े सितारों की। जी हाँ, जिसमें शामिल है दीपिका पादुकोण, अजय देवगन और साथ में अक्षय कुमार। जी, वैलेंटाइंस के वीकेंड पे हर कोई करता है अपनी मूवी रिलीज, पर अगली बार हमें देखने को मिलेगा 3 मूवी में क्लैश। जैन मूवी का नाम है कैथी मूवी, दीपिका पादुकोण की अनटाइटल्ड मूवी, और बाद में अक्षय कुमार की मूवी भी इसमें शामिल हो गई है। जी हाँ, तरंगीरे मूवी भी रिलीज होगी वैलेंटाइंस डे। और अब इस सारे ही क्लैश ने डाल दिया है फैंस को दुविधा में। जी हाँ, फैंस तो दुविधा में होंगे ही, क्योंकि तीनों ही काफी बड़े सितारे हैं और हर कोई चाहता है कि वो इन तीनों ही सितारों की मूवी सबसे पहले देखे। पर अब देखना ये है कि फैंस किसकी मूवी करते हैं। Well, that's a wrap for today. For more Bollywood updates, keep watching Bugle Bollywood.